बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि एनसीआर में हवा सुधरी पर सरकार बरकरार है। गंभीर श्रेणी से निकलकर बहुत खराब स्तर में पहुंचा है प्रदूषण। तो देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी लॉकडाउन संबंधी प्रस्ताव। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी प्रस्ताव। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया था लॉकडाउन को लेकर, और आज इसी को लेकर प्रस्ताव पेश करने जा रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पेश करेगी। तो दिल्ली की जो हवा है बहुत ज्यादा जहरीली होती जा रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए थे, कॉलेज बंद कर दिए और दफ्तर बंद कर दिए गए। अब यहां पर अब केंद्र सरकार एक बड़ा कदम, एक अहम कदम और साथ ही साथ एक सख्त कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से सुझाव दिया था एससी ने, अब वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लागू कर सकती है। तो देखिए, लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन, अभी यह बात समझ में नहीं आई है। सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण कम हो सकेगा? सरकार को यहां सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को यहां ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी में पेश करेगी लॉकडाउन संबंधी प्रस्ताव सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव पेश करने जा रही है। इसको लेकर लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है, आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। तो वहां पर धुएं की मोटी मोटी परत दिल्ली एनसीआर में दिखाई देती है, जिस वजह से वाहन चलाने में भी लोगों को परेशानियां होती हैं, वॉक करने में लोगों को परेशानियां होती हैं, और इसी के दरमियान स्कूल कॉलेज और दफ्तरों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो देखिए, जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी और लॉकडाउन को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया था। और अब यहां पर दिल्ली सरकार एससी में लॉकडाउन को लेकर प्रस्ताव पेश करेगी। तो चलिए आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, वो फैसला क्या है वो आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आ चुका है। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर, राहत देते हुए ईडी और सीबीआई को एक साल और बढ़ाया गया, 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। देखिए, पहले जो कार्यकाल था सिर्फ 2 साल का था, 5 साल कर दिया गया है। अध्यादेश के जरिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है दिल्ली से, जहां पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। संसद सत्र में सरकार पेश कर सकती है कानून। 2 साल से बढ़ाकर ईडी और सीबीआई का कार्यकाल 5 साल किया गया है। एक राहत भरी खबर ईडी और सीबीआई के लिए। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था, लेकिन अब उसको 5 साल कर दिया गया। देखिए, 3 साल का यहां पर इजाफा किया गया है, 3 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। राहत देते हुए ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार नजर आ रही है। अध्यादेश के जरिए सरकार ने यह बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम उठाया है। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की
हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियोटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।